close till I get up. Time is barely on our side. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आपने अक्सर चना चाट तो खाई होगी, और वो भी काबुली चने। लेकिन आज जो चना चाट हम बना रहे हैं वो ब्लैक चने हैं, यानी काले चना, मज़ेदार चाट उसकी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं, फौरन अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और हम आपको बताते हैं कि काले चने की चाट लजीज किस तरह और चटपटी बनाई जाती है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने तकरीबन आधा किलो काले चने लिए हैं और इसको हमने बॉईल कर लिए हैं, रात को भिगो दिए थे और उसके बाद सुबह हमने इसको बॉईल कर लिया। और इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए हमने प्याज ली है, यानी कि दो प्याज ली है, उसको बारीक बारीक से क्रश कर लिया है। ऑयल लिया है हमने, और हमें इसमें डालने के लिए दो टमाटर चाहिए और अदद हमें नींबू के अलावा हमने हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और खुश मसालों में हमें दो चम्मच कुटी हुई मिर्च और एक चम्मच पिसी हुई मिर्च चाहिए, और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक और एक चम्मच हमें ज़ीरा चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो इमली है और चाट मसाला है। तो ये हमारे रेसिपी के जो ज़रूरत थी वो हमें चाहिए था, वो हमने आपको बता दिया है। और अब हम इसे किस तरह तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। हमने अपना ऑयल गरम किया है और उसमें हमने अपना एक चम्मच ज़ीरा जो था वो डाल दिया है। ज़ीरा अच्छी तरह चक जाए, यानी गरम हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे, तो उसके बाद हम इसमें अपनी अनियन चॉप की हुई जो थी वो डाल देंगे और उसको हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, यानी ज़्यादा हम इसको सुर्ख नहीं करेंगे बल्कि इसको हल्का सा पिंक करेंगे, ताकि ये हमारा मसाला अच्छा सा बन जाए। और इसके अलावा हमने इसमें दो लाल मिर्च भी डाल दी थी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाए। जब हमारी ये प्याज ज़रा सुर्ख हो जाए तो हमने अपने इसमें टमाटर डाल दिए थे। दोस्तों, जो हमने दो अदर टमाटर लिए थे वो डाल दिए। और इसके अलावा हमने अपना सारा खुश्क मसाला, जो कुटी हुई मिर्च, नमक वगैरह था, वो सब हमने इसमें मिक्स कर दिया और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और तेल छोड़ दे, तो हम अपने चने जो हमने उबाले हुए थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। और सारे चने मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे। सारे ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे और जब ये अपना ऑयल छोड़ देंगे तो ये हमारे चने जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो देखें दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द तैयार होने वाली है। अब हम अपनी इमली इसमें डाल देंगे ताकि इसमें एक चटपटा सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए, और अपनी हरी मिर्चें भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, यानी कि इसको दम पर रखने से ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। तो हम 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने जो छोले हमारे तैयार हो चुके थे, अब हम डिश आउट कर रहे हैं अपने छोलों को और आपको दिखा रहे हैं कि ये कितने मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुए हैं। दोस्तों, आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक बारीक कतर के डालिएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देंगे। तो मेरे यहाँ कोई हरा धनिया लाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला, तो आप ज़रूर मंगवाइएगा और इसमें डालिएगा, ये बहुत ही अच्छी लुक भी देगा और टेस्ट भी देगा। तो हमने अपने काले चना चाट तैयार कर लिए। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी तैयार हुई है और हमने अपने ये शाम की चाय के साथ ही मज़ेदार लजीज तैयार हुई है। दोस्तों, जब आप इसे तैयार करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये चाट कैसी लगी है आपको। और आप कोई बहुत ही उम्मीद है कि मज़ेदार रेसिपी भी लगी होगी और चना चाट भी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हम आपको खाकर भी दिखाते हैं कि कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप भी ज़रूर इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और मेरी जो रेसिपी मैंने आपको दी है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का निगरान रखे।